Good afternoon, everyone. Welcome back to Weight Solution in Scientific Ways. So today my topic is self-love and diet. Now, what is self-love? You all might be knowing that self-love means that loving your body, accepting it as it is, loving the way your body is. Now, I'll give you three examples, or in teen examples me, you will know that you actually love your body or not. So first of all, my first example on self-love is that agar aap weight put on kar lete hain aur koi aapko kehta hai ki aap mote ho gaye ho ya aapka weight put on ho jata hai, aapko realize hota hai that ki aapne 5-6 kilo put on kar liya hai, या कोई आउटसाइडर आपको बोलता है कि आप मोटे दिख रहे हो, तो सडनली व्हाट यू डू, आप क्या करते हो? अगर आप एक दिन में 2000 कैलोरीज ले रहे हो, तो अगर आपको किसी ने कह दिया या आपको खुद को लगा कि मेरा इतना वेट बढ़ गया, तो आपने क्या किया है, 2000 से सीधा जंप मार के हम 1000 कैलोरीज पे चले जाते हैं, दैट वी कट ऑन द कैलोरीज. इससे क्या कर रहे हो आप? You are torturing your body. अब आपकी बॉडी को आदत कितने की थी 2000 कैलोरीज की, बट आपने सीधा ही उसे क्या दे दिया, दैट 1000 कैलोरीज यू हैव गिवन. नाउ यू आर टॉर्चरिंग योर बॉडी. अब किसी को अगर हम टॉर्चर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को हमने कमरे में बंद कर दिया, अब उसको एक हफ्ता या एक महीना अब हमने उसको कमरे में रहने दिया, उस इंसान को हमने खूब टॉर्चर किया. नाउ व्हेन ही और शी विल कम आउट ऑफ दैट रूम, अब वो एक महीने के बाद उस रूम से बाहर आया, तो क्या किया उसने? अब उसको जो चीजों को लिए हमने टॉर्चर किया था, वो जाके वो चीजें ढूंढेगा एंड वो चीजें गेन करेगा. ऐसे ही अगर हम अपनी बॉडी को टॉर्चर करते हैं, हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एकदम से ही, हम कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करते, एकदम से हमने 2000 वाली बॉडी को 1000 कैलोरीज पे डाल दिया, दैट यू आर टॉर्चरिंग योर बॉडी. और आप कहते हो कि वेट लॉस कर रहे हैं, यू विल लूज द किलोस बट यू विल फील वीक, यू विल हैव न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. In this way, you are not loving your body. This is not a self-love. This is you are torturing your body. अगर आप ये करते हो और आपकी सोच है कि आप self-love कर रहे हो अपनी body के साथ, this is not a self-love. अब मेरी second example है that some people जो वो होते हैं, एक second type of people जिसको हम कह रहे हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो socially तो लोगों के सामने बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं, दैट दे विल से कि हम ये नहीं खाते, हम हेल्दी खाते हैं, दैट वी डोंट ईट जंक फूड, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, बट सीक्रेटली जब कोई नहीं होता, दे स्टार्ट ईटिंग व्हाट दे वांट. उनको लगता है कि अब तो मुझे कोई देख नहीं रहा, तो अब तो मैं खा सकती हूँ, हाँ लोगों में मैंने दिखावा कर दिया कि मैं हेल्दी खाती हूँ, मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती, बट अंदर से वॉट यू आर डूइंग, यू आर चीटिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को चीट कर रहे हो. दिस इज ऑल्सो नॉट द सेल्फ लव, यू आर नॉट लविंग योर बॉडी, यू आर चीटिंग योर बॉडी. देन यू पीपल कंप्लेन, फिर आपकी ये कंप्लेन होती है दैट हम तो 100% दे रहे हैं लोगों की नज़रों में, लोगों की नज़रों में यू से दैट हम 100% दे रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहे. रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? Because somewhere in our mind, we are cheating ourselves. हम अपने आप को चीट कर रहे होते हैं, हम लोगों को चीट नहीं करते, हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को चीट कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दे दिया सेल्फ लव लोगों के बीच में, बट एक्चुअली वी आर चीटिंग आवर बॉडी. नाउ थर्ड टाइप ऑफ पीपल जिनके मन में यही होता है कि भगवान ने तो एक ही जिंदगी दी है, खाओ पियो नजारे लो, दैट टाइप ऑफ पीपल वो क्या करते हैं, जो मर्जी खाया, जो मर्जी किया, कि अब तो बस ये जिंदगी है, इसे जी लो,
जैसे मर्जी, जितना मर्जी खाओ, जितनी मर्जी कैलोरीज कंज्यूम करो, जितना मर्जी मीठा खाओ. इज इट ट्रूली अ सेल्फ लव? ये भी सेल्फ लव है कि नहीं? नो, दिस इज नॉट अ सेल्फ लव. दिस इज यू आर हार्मिंग योर बॉडी. आप कैसे हार्म कर रहे हो? आप इतनी ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर रहे हो जिससे आपका वज़न बहुत बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा दैट कुछ एज के बाद आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा. आपको थायराइड हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको घुटनों में दर्द हो सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है. मतलब कि आप अपनी बॉडीज को प्रॉब्लम्स दे रहे हो. यू आर नॉट लविंग योर बॉडी. अब मैंने आपको ये तीन एग्जाम्पल्स दिए, अब आपको पता चल गया होगा दैट आर यू एक्चुअली लविंग योर बॉडी और यू आर टॉर्चरिंग और हर्टिंग योर बॉडी. क्या आप अपनी बॉडी को सच में प्यार कर रहे हो? कि आप फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने बोला था टॉर्चर कर रहे हो, या आप बॉडी को हर्ट कर रहे हो, या आप अपनी बॉडी से चीट कर रहे हो? ये तीन क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए. अगर ये तीन चीज़ें नहीं हैं तो सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव इज एक्सेप्टिंग द टाइप ऑफ योर बॉडी, रिस्पेक्टिंग योर बॉडी एंड ईटिंग द हेल्दी फूड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज. एंड ये कोई ये नहीं होता कि हमने अब इतने किलोस कम करने हैं, ये करना है. इट इज़ अ प्रोसेस. वी हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस. अब उस प्रोसेस में हमने क्या करना है? उस प्रोसेस में हमने हेल्दी ईटिंग करनी है, हमने एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी टाइप को एक्सेप्ट करना है, और उसी बॉडी टाइप को हमने फिट, हेल्दी एंड स्मार्ट बनाना है. नॉट बाय कटिंग योर कैलोरीज बट ईटिंग हेल्दी. सो इफ यू वॉन्ट मोर टिप्स ऑन योर बॉडी टाइप कि आपको कैसे हेल्दी खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, यू कैन कॉन्टैक्ट अस और यू कैन कॉल अस ऑन अ गिवन नंबर. थैंक्स. स्टे पॉजिटिव एंड बी हेल्दी.